ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐੱਮ ਐੱਫ ਏ ਔਰ ਬੀ ਐੱਫ ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਕੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਕਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੇਂ ਚਾਂਸ ਦੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਜੋ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਮ ਆਰਟਿਸਟੋਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸਕੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਵੁੱਡਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਵੁੱਡ ਕੋ ਟੈਕਸਚਰ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਐਕਚੁਲੀ ਇਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੀ ਫੋਮ ਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो जैसे कि क्वालिटी लकड़ी में होती है वो सोसाइटी को बहुत कुछ देती है, उसी तरह लड़की भी है जो सोसाइटी को बहुत कुछ देती है। मैं गांधीनगर गुजरात से आया हूँ और स्पेशली ये जो अभी यहाँ का जो हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इसमें ललित कला एकेडमी ने एक पेंटिंग वर्कशॉप रखा है, तो उस वर्कशॉप का पार्ट हूँ मैं और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रोफेसर हूँ और मैं अपने तरीके से ये कहता हूँ कि चांस है सुंदर चंडीगढ़। तो हमने एक ब्यूटीफुल लेडी को यहाँ पे दिखलाने की कोशिश की, जो कि ग्रीनरी जो है हमारे चंडीगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो दूसरे सिटी में वो चीज़ कम मिलता है, तो उस चीज़ को हमने यहाँ दिखलाने की कोशिश की है। और नीचे में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स और हेरिटेज बिल्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम जो है यहाँ पर दर्शाएंगे। मेरा नाम सतवंत सिंह सुमेल है, तो मैं ये ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੌਕ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਵੂਮੈਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਗੌਰਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਫੈਸੀਨੇਟਿਡ ਅਬਾਊਟ ਨੇਚਰ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਡਿਪਿਕਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੇਅਰ my love for nature. मैं जस कमल और 35 मॉडल में मैं लेक्चरर हूँ और इस वर्कशॉप में मैंने ये पेंटिंग बनाई है। इसमें नेचर को लेके और आज का जो लोगों का स्नैरियो है उसको यूज़ किया है, माइंड सेट। लोग नेचर को इंजॉय नहीं करता है कोई भी, जो हमें ज़िंदगी मिली हुई है वो सिर्फ एक पेपर बोट की तरह है। हम लोग कहीं भी किसी भी टाइम ये बोर्ड गल जाती है, इसको भूल के हम और ही चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे दो तरह की चीज़ें, से नेचर और आर्किटेक्चर है इस जगह पे मेनली, उन दोनों को कंबाइन किया है कि कैसे बिल्डिंग जो है वो नेचर से पूरी घिरी हुई है। और ली कॉर्बूज़िए ने जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो भी नेचर से ही इंस्पायर है, तो मैंने ये शेप्स भी इसी आर्किटेक्चर में से ही ली हुई है। उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल सिख कॉन्फेडरेशन की यह रिपोर्ट तुहानू पसंद आई होगी। अगली बार कुछ नवा लैके फिर हाजिर होवांगे। उन्हें अपने सुखी नूं दिओ इजाजत ते वेखते रहो इंटरनेशनल सिख कॉन्फेडरेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।